Hello everyone, welcome to my channel Sippy's Kitchen. Today I am gonna show you one chutney recipe. इसको मैंने pineapple से बनाया है. आप इसको rice, रोटी या पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो. ये बहुत tasty रहता है, मुझे तो बहुत पसंद है. आप लोग भी try कीजिए, I am sure आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा. तो शुरू करते हैं ये pineapple चटनी की रेसिपी. मैंने इसमें pineapple को छोटा छोटा करके काट लिया है, एकदम बारीकी से. उसका मिडिल वाला पार्ट भी निकाल दिया है जो पकता नहीं है, आप भी याद करके निकाल देना उसको. इसे छोटा छोटा करके काट लेना, इसे भी और छोटा कर सकते हो आप. और हींग लिया है, मस्टर्ड सीड्स एंड ड्राई रेड चिली लिया है, करी लिप्स लिया है और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर लिया है, चॉप जिंजर लिया है छोटा सा, एक चम्मच नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है और दो चम्मच चीनी लिया है एंड एक छोटा सा ऑनियन को फाइनली चॉप कर लिया है मैंने और तेल लिया है. तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग. मैंने यहाँ पे दो चम्मच तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए. पहले इसमें हम मस्टर्ड सीड्स और रेड चिली ड्राई वाला डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे. अभी थोड़ा सा करी लिप्स डाल देना और इसमें जो चॉप जिंजर रखा था उसको भी डाल देंगे. आप ये जिंजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हो. मैंने 1 इंच जैसा जिंजर लिया था. अदरक को हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है. अभी इसमें चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे और उसको कुछ टाइम फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक. अभी ये ऑनियंस भी हो गया फ्राई. अभी इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर एंड हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसको हमें और ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो मसाला जल जाएगा. अभी इसमें जो पाइनएप्पल कटा हुआ पाइनएप्पल उसको डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे. पाइनएप्पल को हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कुक करना है क्योंकि अंदर से जल्दी पकता नहीं है. उसको हमको ढक के बहुत टाइम के लिए कुक करना है. अभी इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया. एक्चुअली जो पाइनएप्पल था मैंने लिया था वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा था, इसलिए मैंने इसका चटनी बनाने का सोचा. आप मीठा वाला पाइनएप्पल जो थोड़ा मीठा रहता है उसको भी चटनी बना सकते हो, वो ज़्यादा टेस्टी रहेगा. यह अभी 30 से 40% कुक हो गया है. अभी इसमें हम रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे. और उसको और कुछ टाइम कुक होने के लिए छोड़ देंगे.
हमको इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। अभी इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा था इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिल्ली डालना है। अभी इसको और 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए कवर करके रख देना है। अभी इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया, उसको और थोड़ा पकाना है। उसको अभी ढक के हमें और 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है और बीच बीच में चेक करते रहिएगा। अभी ये चटनी एकदम रेडी है। आपको अगर और भी थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप और 2 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ दो, लेकिन मुझे ऐसा ही पसंद है। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर ये वीडियो और रेसिपी दोनों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन for more updates. Thank you for watching the video and see you with a new recipe and new day. Bye bye.